क्या नहीं। देखिए ये जो वुमन रिजर्वेशन है इसको भी लाने के लिए आप डर गए। क्यों डर गए अब मुझे मालूम हुआ, क्योंकि आप नीति ही ऐसी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही देना हो, महिलाओं को भी नहीं। महिला शूद्र ये एक ही है, महिला और शूद्र एक ही है। वो इसका तुलसीदास का कहना नर नारी ये सब कानून जो होता है। खड़गे जी, खड़गे जी सर, दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं साहब ये मेरे नहीं, नर नारी ये सब कांडन के नहीं बोला। वन सेकंड ये सब इसमें वन सेकंड लीडर ऑफ द हाउस। सर हमने बहुत टॉलरेट किया, ये बार बार भारत के अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, फिर भी हमने टॉलरेट किया। ये अछूत जैसा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया हमें लगा कि हम अभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के बयान देखे वही मानसिकता दिखा रहे जिसका सुबह भी चर्चा हुई। इनकी डिविसिव टेंडेंसीज जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहते, देश को बांटना चाहते, ये बार बार इसका जाहिर करते। सर नहीं प्लीज देखिए आई अर्ज यू टू नो सर आई एम देयर प्लीज आप ये तो जाने होंगे डोर गंवार शूद्र पसनारी ये सब तांडन के अवतारी ये तो सुने ना। तो ऐसे ऐसे आपके पास शब्द है जो इस समाज को कुचलने का, इस समाज को तोड़ने का, इस समाज को शिक्षा से वंचित करने का, इस समाज को शस्त्र से वंचित करने का, ये आपकी टेंडेंसी है हमारी नहीं। हम तो कुछ नहीं मिला तो भी देश के साथ है, कुछ मिला तो भी देश के साथ है। हमको आप कितना भी तकलीफ दो आप, हम कभी अलग जाने का सोचे नहीं या जाएंगे भी नहीं। तुम लोग सब खा के सब पेट भर के बैठे हो फिर भी इनके बारे में नहीं सोचते, यही बहुत बड़ा दुख है। सर और एक बात मैं कहूंगा कि ये चुनावी प्रक्रिया सरकार सीईसी की नियुक्ति के जिस तरह नियंत्रित कर रही है उसके चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है। और पास यहाँ की यानी कारखाने की एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे लोग उसमें घुस गए और घुस जाने के बाद वो क्या क्या करते यूएम में मालूम नहीं, या सरकार कैसी उनको वहां पर डायरेक्टर। अरे ये क्या है अभी डायरेक्टर सर व्हाट इज कमांड खरगे जी इज अ वेरी सीनियर मेंबर सर, आप इतना ही मैं निवेदन करता हूँ आपको। पूरा देश में कानून है, वो कानून के हिसाब से हर एक कंपनी में लिमिटेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉमिनेट होता है, अपॉइंटमेंट होता है, ये सिंपल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, हर एक कंपनी में रहता है। खरगे साहब कृपया आप ऐसे एलिगेशन बिना बेसिस एलिगेशन नहीं लगाइए सर, बिना बेसिस के प्राइवेट नहीं नहीं आप प्राइवेट मेंबर्स को डाले हैं, नॉन ऑफिशियल को डाले ठीक होता है, लेकिन एक ही पार्टी के कोई क्वालिफिकेशन उसको अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे लोगों को आरएसएस के लोगों की चुन चुन के डालना बोल के है क्या। अरे मुझे देखो जोशी साहब आप बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हारे सब ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ द पर्सन थ्रू मी थ्रू सब आप आई एम लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग एट मी। जरा क्या होता है आप उधर ज्यादा देखते हैं इधर नहीं देखते। आज तो मैं पूरा आपको ही देख रहा हूँ। नहीं साहब आप नहीं देखने की वजह से मेरी हालत ये हो गई। सर और एक चाइना का बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, राष्ट्रपति जी ने हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। सच्चाई यह है कि हम अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं, यही अभी वीडियो में
यही अभी वीडियो में भी सामने आया है। इसी महीने चीन के पीएलए सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास के चरागाह क्षेत्रों के एक भारतीय चरवाहों को जाने से रोका। यानी ये स्थिति है बॉर्डर पे भी, और इसको अगर रोक नहीं पाए तो वो और अंदर आते 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 वो बाद में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते रहता है और शांति नहीं रहेगी। और आप तो कम से कम विश्व को रक्षा करने की बात हो रही है और विश्व गुरु बनने के लिए भी जा रहे हैं, उसका कब होगा क्या होगा वो देखेंगे। विश्व गुरु तो नहीं, विश्व गुरु हो रहे, अरे विश्व गुरु हो जाओ भाई, पहले चाइना को अंदर मत घुसने दो, पहले पाकिस्तान को आने मत दो, और पहले तो भारत में गुरु बनो, उसके बाद विश्व गुरु की सोचो। अब तो राम टेंपल के पुजारी तो बने हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका दर्शन लिए तो राम का दर्शन हो गया। हाँ, आपने जो राम के पुजारी तो पहले पुजारी आपने बना है, ठीक है, लेकिन अरे हमको क्या अंदर भी नहीं आने देते, तुम पुजारी क्या बनाते हो। चलो छोड़ो, चुप, वो बात मत करो मेरे सामने। और दूसरी बात ये है सर, मणिपुर महीनों बाद एक जो घटना घटी, अब तक आप विजिट क्यों नहीं कर रहे, क्या सीक्रेट है? वो कह चुके सर आप, वो तो गलत पेपर हो गया, वो कह चुके आप मणिपुर को कवर कर चुके हैं, नहीं मणिपुर कवर महीनों बाद, नहीं वो खत्म हो गया। हाँ मणिपुर कवर कर चुके हैं आप, मणिपुर पे आया हूँ। ना मणिपुर कवर कर चुके हैं आप, ये 20 है, ये 21 है, मेरे पेपर को मैं अच्छा जानता हूँ, कवर हुए। आप चाहते हैं फिर एक बार मैं उनको पुजारी बनूं? तो छोड़ो सर, मेरा और एक निवेदन है कि इतने महीनों के बाद भी आप मणिपुर विजिट नहीं कर रहे, इसका क्या सीक्रेट है? वहां लोग तबाह, तंग, बर्बाद, घरे जल रहे हैं, मोटरसाइकिल्स जल रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, और आप बोलते शांति है। वहां परसों ही दो लोग मारे गए, नक्सलिज्म खत्म हो गया, और वही छत्तीसगढ़ में और दो लोग मारे गए 3 दिन पहले। बोलते एक होता है और उसका इतना जोर से डिफेंड करते हैं, मैं क्या बोलूं कि झूठ को भी सच बनाने का अगर कोई नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी है। सर और एक बात आपको कहूंगा, ये जो पिछले 10 सालों में एक एक करके एक सेकंड खड़गे जी, फेडरल स्ट्रक्चर को झूठ, अनपार्लियामेंट्री है, असत्य, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, असत्य को सत्य करने में वो प्रवीण है, होगा हिंदी, जो हिंदी मुझे आती है उसमें बदलाव करो। तो और दूसरा, सब फेडरल स्ट्रक्चर्स में जिस स्टेट में आपको जहां बाढ़ आई पैसे रिलीज नहीं करे, जहां ड्रॉट है कर्नाटक में आधे भाग में वहां पर भी नहीं दिए, बंगाल में नरेगा का पैसा रिलीज नहीं करे, आंध्र प्रदेश में 10 साल से स्पेशल कैटेगरी की मांग हो रही वो कुछ नहीं कर रहे, और आंध्रा के लोग विशाखापट्टनम के लिए स्टील प्लांट के लिए प्राइवेटाइजेशन मत करो, इसको पब्लिक सेक्टर में रखो, ये बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए होगा, अगर आप पब्लिक सेक्टर में रखे तो गरीबों का फायदा होगा, अगर किसी प्राइवेट को दिए उसको वहां नौकरी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्राइवेट लोगों को फायदा होगा, और दलित एससी एसटी ये सब मर जाएंगे। कम से कम रिजर्वेशन तो है, ऐसे जगह तो कुछ ना कुछ उनको मिलता है, अगर एससी एसटी बैकवर्ड क्लास ये मर जान दो, कुछ भी होने दो, अगर आप ऐसी आपकी इच्छा है, ना एक दिन
इनकलाब जिंदाबाद आएगा आएगा, क्योंकि लोगों का टॉलरेंस लोग होता है, देखते हैं, देख देख कर एकदम उठते हैं। तो ये और एक नीति आयोग के सीईओ, वो उनके बहुत ही उनके वक्त ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्होंने भी यही कहा कि भाजपा सरकार के एंटी फेडरल तरीकों का सच बताया उन्होंने, और फाइनेंस कमीशन का भी उन्होंने हिस्सा कम करने का, किस ढंग से वो दबाव आता है वो भी उन्होंने परसों ही पेपर में आया, आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप हर बारीकी से हर चीज़ देखते हैं, तो ये भी आप देखे होंगे मैं समझता। फिर मोदी जी की योजना का 10 सालों में ये 142 योजनाएं शुरू की गई, 142 अनेक्सर 2 मैं देखता हूँ, सर हाँ तो आपको जरा सर 140 इसका हाँ, सो प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 142 योजनाएं शुरू की गई, इनमें से लगभग 20 योजनाएं पीएम प्रीफिक्स के साथ है, जैसी हाँ उस वक्त बोलने में क्या तुम सो गए थे, मैं अब जाग रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, चुप बैठ प्लीज प्लीज प्लीज। प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 142 योजनाओं की शुरुआत की गई, इनमें लगभग 20 योजनाओं में पीएम प्रीफिक्स के साथ है, जैसे कि पीएम किसान, पीएम आवास योजना, पीएम फसल बीमा योजना, और भी पीएम है, और उसके बाद छोड़ो भाई वन सेकेंड, अरे वो सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, यस प्लाजोशी जी, सर इनके प्रॉब्लम क्या है सर, सर इनके सर सर इनके 10 वर्ष में पीएम शब्द लेके सारे पार्टी को और इनको मुखिया को भी एलर्जी था सर, दे वर एलर्जिक टू द वर्ड पीएम, दैट्स व्हाई दे नेवर यूज्ड टू कीप द नेम ऑफ द पीएम, ओनली वन फैमिली का नाम रखते थे, अभी हम पीएम रख रहे हैं, या पीएम के शब्द के ऊपर एलर्जी है क्या, पीएम देश का हिसाब इतने तो जानना चाहिए सर, ये तो अच्छा ठीक है उनको, इट्स अ गुड पॉइंट, नहीं नहीं वो लीगल एड दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, देने दो सर। दूसरी बहुत से ये विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन समाज अगर विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बोलना बड़ा मुश्किल है, अच्छा भी नहीं लगता अपने अभी नहीं, क्योंकि ये 10 साल हो गए, कैसा भी आप उधर जाएंगे हम आप यहीं रहेंगे राज्यसभा में, ये तो लोग जाना पड़ता ना सब उसके लिए, तो 1500 स्पेशली इक्विप्ड व्हीकल्स को देश के लगभग 250,000 विलेजेस में भेजा जा रहा है, जिन पर लिखा दिया है मोदी सरकार की गारंटी, और ये भी बोलो भाई पीएम की गारंटी बोलो,
इसमें क्यों मोदी की गारंटी? क्योंकि इलेक्शन जा रहे हैं वो, और मोदी सरकार की गारंटी। और सुनते जाओ, ये जो गाड़ियां जा रहे हैं उसके अलावा मोदी जी अपनी गारंटी बहुत बोले, और आज तो न्यूज़पेपर में आता है। कौन सा न्यूज़पेपर आप निकालिए, मैं भी 7-8-10 पेपर देखता हूँ, जो खास करके एडिटोरियल और बीच में जो लिखते उतना, बाकी का उसमें झंझट में नहीं जाता, लेकिन मैं देखता हूँ ऊपर लिखा हुआ मोदी जी की ये गारंटी, गैस की गारंटी, उसकी गारंटी, ऐसा रोज आता है, रोज देखता उसमें। अरे भाई, आपके पास खूब पैसे है, कितना करना करो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं, इंडिया जीतेगा। सर, मेरी गारंटी, अरे सुनो मोदी साहब क्या कहते वो तो सुनो जी। सर, मोदी क्या कहते वो तो सुनो। मेरी गारंटी, मेरी कड़ी मेहनत है, इनकी नहीं है, इनकी है, और दृढ़ता का प्रतिबिंब है। मोदी जी खुद के बारे में बताते हैं, ये उन्होंने कहा है, ये सभी पेपर में भी। मोदी जी कहते हैं, जब भी उम्मीद खत्म होती है मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। अरे सुनो, और मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी का मतलब है कि वो अकेले ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। अरे हा, क्या डेमोक्रेसी में तुम हो? एक अकेला इंसान प्रधानमंत्री, मैं बोल रहा, तुम ढोल बजा रहे हो? मोदी जी ने वाराणसी में कहा मोदी की गारंटी सुपर हिट होगी, और इसी तरीके से देखिए, अगर ये जो अगर गड़बड़ करे, जब हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर भाषण करते वक्त, आप रोकना नहीं। एक सेकंड सुनिए खड़गे जी, आपके भाषण को इतना शांत रूप से सुना गया है, और अभी से आप कह रहे हैं कि मत करना, दिस इज अनफॉर्चुनेट। द लीडर ऑफ द अपोजिशन इज, वन सेकंड, शक्ति सिंह जी, डोंट शाउट, प्लीज टेक योर सीट। खड़गे जी, यू हैव बीन हर्ड इन रेप्ट अटेंशन, आपने थोड़ा प्रवोक किया तो उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। मानो, थोड़ा मानो मेरी बात, कभी माना करो प्लीज, क्योंकि मुझे तो डर ये लग रहा है कि आप अनेक्सर 2 तो पढ़ रहे हैं, अनेक्सर 1 भूल गए, वो आएंगे तो फिर और लंबा जाएगा। नहीं, मैं एक, मेरे पास पूरे पेपर है, भूलने का सवाल ही नहीं। आपने मैं खुद ही मेहनत करता हूँ, मैं देखता हूँ, रखता हूँ, तुम प्लीज, आपको अगर नहीं मिलता तो वो बात, क्या भूल गए, क्या बोली? खड़गे जी, और टेकन 1 hour 5 minutes, डोंट, व्हाई, आई हैव गॉट 1 hour and 40 minutes। हाँ, यस, यू हैव, यू कैन टेक द एंटायर नॉइस। ओके, तो सर,